अगर तुम्हें किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि अभी हाल फिलहाल में या कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले आपने एक लड़की को प्रपोज किया था और उस बंदी ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया, बहाना कुछ भी मारा हो कि मुझे एक बॉयफ्रेंड बनाना ही नहीं है, मुझे इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बट देन वो किसी और की बंदी बन जाती है। सेम रीज़न वहाँ पे भी दे सकती थी, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि उसने हमें रिजेक्ट कर दिया, ये मानना पड़ेगा। या हो सकता है कि कोई आपकी बंदी रही हो और उस बंदी ने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया हो और आपकी जगह किसी और के पास चली गई हो, तो ऐसे में रिजेक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है। बट मेन मोटिव ये है कि वो जो रिजेक्शन हमें मिला है उसको हम कैसे डील करें, उसके साथ कैसे डील किया जाता है, क्या किया जाता है। अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो देखो, मैं बुकिश नॉलेज नहीं दूंगा, मैं बहुत बारी रिजेक्ट हुआ हूँ, बहुत बारी लड़कियों ने खूब काटा है। मतलब होता है ना कि यार लड़कियों को कुछ मिलता नहीं था, एक्सपेरिमेंट करना होता था तो अर्पित को चूज़ कर लेती थी, तो अर्पित भाई जाके ना खूब चूतिया कटवाता था। अर्पित मैं ही हूँ तो मैंने बहुत चूतिया कटवाया, तो फिर मैं आपको थोड़े एडवाइस दे सकता हूँ कि रिजेक्शन को कैसे फेस किया जाता है, कैसे उसके साथ डील किया जाता है। सबसे पहली चीज़, जब हमें चोट लगती है तो जो हम कर सकते हैं वो होता है फर्स्ट एड। पहले यही है कि भाई जो भी है, जो भी आसपास मरहम पट्टी है उसको बांधो, खून खान को रोको, ज़्यादा बह ना जाए, कहीं पता चला साला हॉस्पिटल ले जाते आदमी ही लुढ़क गया। तो पहले हमें फर्स्ट एड देना होता है। फर्स्ट एड पता है क्या है यहाँ पे, कि भीख मत मांगना। सबसे बड़ी और सबसे पहली और मोस्ट, क्या बोलते हैं, मोस्ट वल्नरेबल जो गलती आप कर सकते हो इस पोजीशन पे, इस कंडीशन में, वो होता है कि आप भीख मांगने लग जाते हो। क्योंकि होता क्या है कि हम इंसान हैं, जब हम इमोशनली हर्ट होते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे अंदर होती है कि हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और खुद को एक बेचारा वाले नज़र से देखते हैं। जब हम खुद को बेचारा मान लेते हैं ना, तो हम अपने आप को इतना नीचे गिरा लेते हैं कि हमें लगता है कि यार ये इंसान मुझे किसी भी कंडीशन में चाहिए, उसके लिए चाहे आपको रोना पड़ेगा, उसके सामने रोगे, गाओगे, उससे भीख मांगोगे, प्लीज़ करोगे कि यार मेरी लाइफ में आ जाओ, मैं तुम्हें खुश रखूँगा, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आप 10 तरीके की बातें करोगे, और यही चीज़ आपको नहीं करनी। मैं ये नहीं कहता कि लड़की ऐसे में आपको मिलेगी नहीं, हो सकता है आपको मिल भी जाए, 10% चांसेस हैं कि वो बंदी आपकी बेचारकी वाली नज़र को देख के बेचारा समझ के हाँ कर भी देगी, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? अगर किसी से भीख मांग के आप कुछ लेकर आते हो तो भाई वो इंसान आप पे एहसान करता है और आपको एहसान नहीं चाहिए। एहसान लोगे तो भाई दबा दिए जाओगे, आप कभी भी अपनी फ्रीडम के साथ रह ही नहीं पाओगे, और बिलीव मी आप तुरंत या तो आप उस इंसान को छोड़ दोगे या तो वो इंसान तो आपको छोड़ ही देगा। तो कभी भी भीख मत मांगना। कभी किसी ने रिजेक्ट कर दिया, दुख होता है मुझे पता है, बहुत दुख होता है मुझे पता है, आंसू आते हैं मुझे पता है, बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, चिढ़ होती है हर एक चीज़ से, कुछ करने का मन नहीं करता मुझे पता है। मतलब ये नहीं कह रहा मुझे पता है इस वे में नहीं कह रहा, लेकिन हाँ ठीक है, आई कैन फील दैट, बट देन हमें ये गलती नहीं करनी, भीख नहीं मांगना। दूसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मरहम पट्टी फर्स्ट एड मार लिया ना भाई, अब अपन को असली इलाज करना है, और असली इलाज ईमानदारी से कर सको तो कर लेना, और नहीं कर सको और है ना, मतलब पैर में चोट है और भाई हाथ की दवाई लेनी है तो लेके चले जाना, लेकिन अपन सीधी सीधी बात करेंगे, इंजेक्शन थोड़ा मोटा है, मोटा वाला सुआ है और घुसेगा तो दर्द होगा, लेकिन सही हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। और वो इलाज क्या है कि फाइंड आउट द कोर रीज़न वाई डिड शी रिजेक्ट यू, उसने तुम्हें क्यों रिजेक्ट किया है, तुम्हें ईमानदारी से इस चीज़ का मतलब इस चीज़ को जानना पड़ेगा, इसका सवाल खुद से पूछना पड़ेगा और आंसर भी खुद से ही देना पड़ेगा। और ये कुछ दिनों बाद जब अपनी थोड़ी सी कंडीशन को सुधार लेना तो खुद से पूछना, क्योंकि जब आप अपने आप को बेचारा वाला मान लोगे ना, बेचारगी वाली नज़र से देखोगे और खुद से तब ये क्वेश्चन पूछोगे तो लिख के ले लो, आप कभी असली जवाब दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप सामने वाले की गलती निकालोगे। जब हम खुद को विक्टिम बना लेते हैं तो हम अपने आप में इतना डूब जाते हैं, मैं ये, मेरे साथ यही होता है, भगवान ने मेरे साथ ये किया, कि हम सामने वाले पे प्रत्यारोप और आरोप लगाते हैं कि वो इंसान ने मेरे प्यार को नहीं समझा, वो इंसान मेरी कदर ही नहीं करता, मैं तो उस इंसान से कितना प्यार करता हूँ। हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, वो इंसान क्या है क्या नहीं है, उसकी क्या लेवल है, वो क्या है, मुझे नहीं लेना देना, मुझे तुमसे लेना देना है भाई। अगर तुम्हें उसने रिजेक्ट किया है तो क्यों रिजेक्ट किया है, खुद से ईमानदारी से पूछो, और जवाब मुझे पता है क्या जवाब है, जवाब यह है कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उसको पालो। बुरा लगा ना, मैंने बोला था कड़वी दवाई है, मोटा वाला सुआ है, लगेगा, दर्द होगा, पर तुम्हारी औकात नहीं है। क्या ये तुम पे ही बोल रहा हूँ मैं? नहीं, अगर मेरे को अगर कोई लड़की आज और शाम को कल को रिजेक्ट कर देती है, मैं ये मानने को तैयार हूँ कि मेरी औकात नहीं है।
नहीं है मेरी औकात। और मैं ये भी बोलने को तैयार हूँ भाई कि अगर मेरे को कभी किसी ने रिजेक्ट किया तो मेरी औकात नहीं है उसके सामने। ये मानने में क्या जाता है? देखो, मान लोगे तो आगे बढ़ जाओगे, और अगर अपने आप को विक्टिम बनाना है और यही बोलना है कि लोग आपको ये नहीं करते, लोग आपको वो, तो भाई 10 चीज़ें हैं, 10 बहाने हैं, मारते रह जाओ जिंदगी भर, कमी नहीं है उस चीज़ की। हमारी औकात नहीं है, क्योंकि देखो 10 बहाने जो लड़कियाँ मारती हैं ना, वो 10 बहाने करके वो गाना याद आ गया, 10 बहाने करके ले गया दिल, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, बहुत उसके हम भटक जाते हैं कई कई बार, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता है, चलता रहता है ना। तो होता क्या है ना कि लड़कियां ना अजीब अजीब बहाने देती हैं कि मुझे इन चीज़ों में नहीं पढ़ना, मैं इन चीज़ों में नहीं आना चाहती, मुझे तो पढ़ाई करनी है, आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई स्टडीज़, आई वॉन्ट टू बिकम समथिंग इन माई लाइफ, मुझे अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी है, मुझे मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यू नो मैं यार हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, यार ये सारे बहाने होते हैं। लड़की को भाई है तो वो इंसान ही ना, उसके पास भी वही चीज़ है जो चीज़ तुम्हारे पास है, बट वो थोड़ा है ना अलग मुद्दा है, वो ठीक है कनेक्शन अलग होता है, वो चीज़ अलग है, लेकिन कनेक्शन दोनों को चाहिए। प्लग चाहता है कि उसको सॉकेट मिल जाए, और सॉकेट चाहता है कि प्लग मिल जाए। सॉकेट पड़ा रह जाएगा, अगर उसको प्लग नहीं मिलेगा साला खराब हो जाएगा, और प्लग बिना सॉकेट के उसको कुछ भी नहीं होना भाई, वो क्या करेगा सॉकेट बन मतलब प्लग बन के, समझ रहे हो? दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, बट है ना होता यही है कि हमें एम्पियर चेक करना पड़ता है, मतलब वो इस तरीके से समझो कि अगर 2 पिन वाला प्लग है ना, तो उसको 2 पिन वाला ही सॉकेट चाहिए घुसने के लिए। तो वही है, तुम्हारी औकात ही नहीं, तुम्हारा प्लग ही इतना होशियार नहीं, तुम्हारा प्लग ही इतना औकात वाला नहीं है। पहले अपनी आप की औकात बना मेरे भाई। यार तेरे पास अगर तू ऐसा है ना, अगर तेरे पास ऐसे लुक्स होते जैसे उसको चाहिए, वो बंदी तुझे हाँ कर देती, वो बंदी तुझे हाँ कर देती, मान चाहे मत मान। अगर भाई तेरे पास पैसा होता जितना उसको चाहिए, वो बंदी तुझे हाँ कर देती, तेरे पास महंगी गाड़ी होती, तेरे पास महंगा फोन होता, तेरे पास महंगा लैपटॉप होता, तेरे पास महंगे कपड़े होते, तू अच्छा होता, तू अपने पे पैसे खर्च करता, वो बंदी तुझे हाँ कर देती। चूर तू ये लिख के ले ले भाई, और मैं ये चीज़ अपने पे भी कह रहा हूँ, ये चीज़ तुझ पे भी कह रहा हूँ, और ये चीज़ मान लो यार, मान लो। मैं कितनी ही वीडियोस बना के रख दिया है भाई वीडियो यूट्यूब पे कि इस तरीके से पटाओ, उस तरीके से पटाओ, बट मैं हर बार ये बोलता हूँ कि जब तक तुम्हारी औकात नहीं बनेगी, तब तक तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, और लड़की पटाना भी वन ऑफ देम है। औकात बना लो, पैसे कमा लो, कुछ बन जाओ, पढ़ लिख लो, जिस उम्र में जो चीज़ करने वाली है पहले वो चीज़ कर लो, उसके बाद लड़की बाय प्रोडक्ट है यार। लड़की पे फोकस मत करो, लड़की एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बर्बाद कर देगी, लड़की ऐसी चीज़ है, याद रखना, इंसान को बर्बाद कर देगी, लेकिन लड़की हमें चाहिए भी होती है, लेकिन ये बाय प्रोडक्ट है ना। टीवी देखना मेन मोटिव नहीं है, पढ़ना मेन मोटिव है। पढ़ के टीवी देखोगे मज़ा आएगा, पढ़ाई छोड़ के टीवी देखोगे साला रात में सो नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा आपको बुरा फील होगा, और बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करोगे कि क्या कर दिया यार लाइफ के साथ, फिर कल करूँगा, परसों कर, कल होता रहता है। मगर अपने साथ कुछ कर लो यार, और जो गलती है, और उस लड़की से मत पूछना, लड़कियां कभी भी इस चीज़ का सही से रिप्लाई नहीं देती, क्योंकि वो कभी आपको ज़िंदगी में ये चीज़ मुंह पे नहीं बोलेगी कि तेरी औकात नहीं है, क्योंकि लड़कियां जब ये चीज़ बोलेंगी तो अपने आप को ये भी दिखा रही होंगी, अपने आप को आईने तो दिखाएंगी, अपने आप को दिखाएंगी कि उसने चीज़ बोली है, इसका मतलब कि वो जज कर रही है आपको। लड़कियां कभी नहीं चाहती कि लोग उनको ये समझे कि वो जज करती हैं, लेकिन लड़कियां जज करती हैं, क्योंकि लड़के भी जज करते हैं। ये चीज़ कितना भी कह लो, तुमने भी उसकी शक्ल ही देखी है, और तुमने तो शक्ल के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें देख ली, बोलो क्या, पता तो है यार तुम्हें, हम शक्ल के साथ और चीज़ें देखते हैं, लेकिन हम लड़कियों पे ये चीज़ बोलते हैं, लड़कियां शक्ल देखती हैं, लड़कियां पैसा देखती हैं, क्यों नहीं देखेगी भाई, क्यों नहीं देखेगी भाई, पैसा तुम्हें नहीं चाहिए क्या, चाहिए, शक्ल तुम्हें नहीं चाहिए क्या, चाहिए, गोरा बदन और कुछ मतलब क्या बोलूँ मैं यार, मतलब इतना एक तो ढीठ हो गया ना, कुछ भी बोल देता हूँ, मतलब तुम्हें वही चाहिए यार, चिकना बदन चाहिए, और मतलब क्या बोलूँ, ठीक है तुम्हें पता है उभार उभार जो भी तुम्हें चाहिए यार, तुम उसको देख के फिसलते हो, लड़कियाँ भी इन चीज़ों को देख के फिसलती हैं। तो या तो अपनी आप की औकात बना लो, या तो वहाँ पर डील करो जाके जो तुम्हारे लेवल पर है, अपने औकात से ऊपर वाली लड़की सेट करोगे हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाती हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लताड़े जाओगे तुम, वहाँ पर भी एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें अपनी औकात बनानी पड़ेगी। अब सामने वाला इंसान अगर अच्छा होगा और सच्चा होगा तो तुम्हें अपने साथ ग्रो करवा लेगा, लेकिन ये ऐसी लड़कियाँ 1000 में 1 मिलती हैं, 1000 में 1 मिलती हैं, 0.1% चांसेस हैं। कभी मिल जाए तो बता देना, मुझे ऐसी लड़की नहीं मिली, 1 मिली थी लेकिन उसकी कदर फिर मैंने नहीं की। यही होता है, क्योंकि जो लड़की वो तुम्हें मिलेगी ना, वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो लड़कियाँ अट्रैक्टिव नहीं होती हैं, वो लड़कियाँ ऐसी नहीं होती हैं जिनके साथ तुम यू नो मतलब लाइफ को एंजॉय करो, शो ऑफ करो, ऐसी लड़कियाँ नहीं होती हैं, वो स्ट्रिक्ट होती हैं, तुम्हारी
ऐसी की तैसी कर देंगे लाइफ में वो। तुम्हें ये नहीं होगा कि तुम जब चाहोगे तब तुम्हें सेक्स मिलता रहेगा, तुम जब चाहोगे तब तुम सेक्सटिंग करोगे, सेक्स चैट करोगे, जब वो अपने न्यूज़ शेयर कर देगी और जो मर्जी हो तुम बातें करोगे। ऐसी लड़कियाँ वो नहीं होती भाई। फिर वो मेहनत खुद भी करती हैं और करवाती भी हैं, पेलती भी हैं, रगड़ती भी हैं, है ना। जब टीचर मस्ती करता है तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन वो टीचर मस्ती करता रह जाता है, जो काम है वो कभी नहीं करता। और जो टीचर आके पढ़ाई करवाता है ना, हमें उससे हमेशा चिट होती है कि आ गया साला फिर पढ़वाएगा, फिर असाइनमेंट चेक करेगा। यही बात है यार, असली टीचर चाहिए। मेहनत करो, औकात बनाओ, ऊंचे करो, ऊंचा काम करो, ऊंचे बनो, भाई मिल जाएगी ऐसी लड़की और कोई फर्क नहीं पड़ता। और थर्ड पॉइंट मैं इसी चीज़ में कवर करना चाहूँगा कि यार लाइफ बहुत बड़ी है यार, ये लड़कियाँ आती हैं जाती हैं यार। और ये चीज़ छोड़ दो, जब अगर तुम ये सपना लेके बैठे हो कि लड़की होगी, शादी कर लूँगा, ये कुछ भी नहीं है। शादी वादी तो वैसे भी कुछ नहीं तुम्हारा होना, आती है वो एक दो साल रहती है, उसके बाद फिर छोड़ के चली जाती। ब्रेकअप सबका हो जाता है भाई, सबका हो जाता है भाई, एक से एक 30 बार काम ने देख लिए, अच्छे से अच्छे आते हैं, बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं और वो भी ब्रेकअप करके चल देते हैं। ब्रेकअप सबका हो जाता है, चाहे मैं हूँ चाहे तुम। मैं यहाँ पे 10 ज्ञान पेल दूंगा, 10 मिनट खुल के ज्ञान दे दूंगा, लेकिन ब्रेकअप मेरा भी होता है और मेरा होता रहेगा, क्योंकि मैं नहीं रोक सकता, तुम खुद को रोक सकते हो। जब तुम रास्ते पे चलते हो तो खुद की गाड़ी चला सकते हो ढंग से, लेकिन सामने वाला ही जब साला अंधाधुंध पेलता हुआ आएगा तो तुम्हें पेल देगा। फिर तुम ये नहीं दलीलें दे सकते कि उसकी गलती थी, इसकी गलती थी। बहुत गाड़ियां हैं यार, बहुत लोग ठोकने वाले हैं। खुद को जिम्मेदार खुद का बनाओ, जिम्मेदारी तुम्हारी है। खुद की गलती निकालोगे हमेशा सुखी रहोगे, सामने वाले पे आरोप लगाओगे, आरोप लगाते रह जाओगे, कभी खुद को सही नहीं कर पाओगे। लड़कियां आती हैं, लड़कियां जाती हैं, बहुत लड़कियां पड़ी हैं। नज़रें उठाओ, नज़रें देखो, और नज़रें उठाने के लिए औकात बनानी पड़ेगी। फिर नज़रें मिलाओगे, देखोगे लड़कियों की कमी नहीं है, बहुत लड़कियां हैं। और कभी बिलीव ना हो तो जाके मेट्रो स्टेशन पे देख लेना, दिल्ली में अगर हो तो, या कहीं पे भी जो भी तुम्हारा पॉश इलाका है वहाँ पे जाके देखना, और तुम देखोगे साला लड़कियों की कमी नहीं है यार। हम क्या, हम तो चूतियाँ हैं यार, हमारी औकात क्या, हम तो ऐसी हैं, हम तो घोड़ू हैं भाई, हमें कुछ नहीं पता। जाके रियलिटी चेक भी ज़रूरी होता है, है ना। और एक और चीज़ जो लड़कियों को बहुत पसंद होती है, वो होता है कि जब लड़के किसी वीडियो को एंड तक देखते हैं और वो उस वीडियो को लाइक कर देते हैं, वो चीज़ लड़कियों को ना बहुत ज़्यादा हिट कर जाती है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कि वीडियो कैसी लगी। जो चीज़ें बताई हैं कि आपको ये रियलिस्टिक लग रही हैं, आपको हवाई चीज़ें लग रही हैं, कुछ भी बोल देता है, तो बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लो यार, कब करोगे, कब करोगे मियाँ। यहाँ तक देखे हो तो अच्छा लगा है आपको, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपने देख ली, वीडियो देख लेके आपका बहुत बहुत धन्यवाद।